हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ आज अलग से गाड़ी के बारे में, क्योंकि मैं मस्कट में करीब 26 साल हो गए, तो मैं 20 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। तो बग मस्कट का गाड़ी का भी एक मस्कट का पार्ट है, मस्कट लाइव में गाड़ी भी आता है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा शेयर करना मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम होगा मुझे जो जो लोग नया गाड़ी चला रहा है या नया गाड़ी खरीदा है, वो गाड़ी चलाएगा तो उनको उसके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। अच्छा, मैं 2002 को मैं गाड़ी चलाना सीखा। मैं इंडिया में गाड़ी चलाना आता नहीं था, मैं 2002 को मैं गाड़ी चलाना सीखा इधर मस्कट में। आज 2022 है, 22 का आज 24 तारीख है, तो 24 तारीख है, ठीक है, 24 फरवरी, तो करीब 20 साल तो हो गया है। तो 20 साल में मुझे जो मालूम है मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा वैसे प्रॉब्लम होता है, ऐसा ऐसा नहीं करोगे तो आपको गाड़ी सेफ रहेगा, ड्राइविंग सेफ रहेगा। तो मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा, रास्ते में गाड़ी चला रहा हूँ तो कितना स्पीड गाड़ी चलाता है, चलता है इधर का, और इधर के बारे में थोड़ा बताऊंगा। इधर का रूल्स रेगुलेशन हर कंट्री का अलग होता है थोड़ा बहुत, जैसे इधर का गाड़ी का गाड़ी राइट साइड से चलता है, इंडिया में लेफ्ट साइड से चलता है। इधर का स्टीयरिंग है आपका लेफ्ट साइड में, इंडिया में राइट साइड में, तो ऐसा फ़र्क होता है। लेकिन जो लोग हाँ, जैसे मैं इंडिया में भी गाड़ी चलाया, बाद में लाइसेंस निकाल गाड़ी चला, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। सबसे गाड़ी चलाना है कि रूल्स को फॉलो करो, फिर देखो आपका कोई प्रॉब्लम उतना नहीं आएगा। रूल्स बहुत फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे गाड़ी चलाते वक्त कुछ मेंटेनेंस का है, वो ख्याल रखो गाड़ी भी, तो फिर आपको प्रॉब्लम कम होगा। जैसा गाड़ी आप घर से निकला, गाड़ी को थोड़ा देखभाल कर देखो, टायर का हवा ठीक है नहीं है, टायर का जरूरी है। अच्छा, इंजन का अगर पुराना गाड़ी है तो ये भी देख लो, इंजन ऑयल में इंजन कम है नहीं है, उसका जो गियर जाता है, या पानी को देख लो, रेडिएटर का जो पानी होता है वो बराबर है नहीं है, कभी कभी हम देखता नहीं, तो कभी कभी आप किसी और के भरोसे छोड़ देते हो, किसी सर्विस सेंटर, इसका अच्छा नहीं है। खुद की गाड़ी खुद चेक कर लो, जान आपका है, जान है तो जान है, जान आपका है, जान का अगर आपका गाड़ी सही है तो आपका जान बच जाएगा। गाड़ी एक्सीडेंट होने का बहुत प्रॉब्लम है, रास्ते में चलते चलते गाड़ी का मेंटेनेंस ठीक नहीं है, गाड़ी का देखा गया ब्रेक आपका प्रॉब्लम हो गया, अच्छा तो फिर आप गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी बीच में गाड़ी बंद हो गया तो इसका भी हो सकता है। तो इससे ऑयल, इंजन ऑयल वगैरह देखना चाहिए, गाड़ी गर्म होता है नहीं देखना चाहिए, बैटरी भी देखना चाहिए। बैटरी कैसे देखोगे आप, बैटरी में अब तो सब ऑटोमेटिक गाड़ी हो गया, इधर बैटरी में बीच में एक लाइट आता है, वो लाइट से देख सकते हो। गाड़ी का जो मीटर होता है, वो मीटर में भी आप बैटरी का गैस दिखा रहेगा, 40 तक रहता है लिखा, बीच में रहेगा तो ठीक है, बट वो क्रॉस करेगा तो आस्ते से बैटरी आपका कम हो रहा है। तो ये सब चीज़ देखना चाहिए। गाड़ी में स्टार्टिंग का टाइम डिस्टर्ब करता है कभी भी, तो समझ लो बैटरी का अभी लास्ट टाइम हो गया, फिर आप बैटरी आपको रिप्लेस करना चाहिए, तो ये सब आपको ख्याल करना चाहिए। तो बात और आगे नहीं बढ़ा के मैं आपको गाड़ी चालू करके मैं चलते चलते मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको करना चाहिए थोड़ा बहुत, तो फिर आप सेफ्टी में गाड़ी चला सकते हो। अच्छा, पहली बात है कि मैं वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, गाड़ी चलाते चलाते ये सही नहीं है, ठीक है, फिर ये आप लोगों को जानकारी के लिए, डायरेक्ट जानकारी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ऐसा करके मैं गाड़ी का सामने का जो ये है से सन गार्ड है, उधर ही मैं मोबाइल रख दिया, तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये बात है, ठीक है। तो अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, देखता हूँ आगे। ओके बाय, सॉरी नॉट भाई, अभी जो स्टार्ट कर रहा हूँ गाड़ी, ओके, कुछ मिस्टेक हो जाता है, नया नया मैं शुरू किया ना तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, आप लोग माफ़ कर दीजिए। अच्छा, मैं अभी जा रहा हूँ, पहले क्या वो फ्रंट कैमरा चालू किया था, तो क्या हुआ ना, फ्रंट कैमरा में सामने का जो कैमरा है उसमें से पीछे का एक साथ नहीं कर सकता हूँ, फिर गाड़ी को स्टॉप करके वीडियो को फिर मैं कर रहा हूँ। तो अभी गाड़ी चलाते हुए आपको बेल्ट डालना है गाड़ी का। मैं अभी जो गाड़ी चला रहा हूँ ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो ऑटोमेटिक गाड़ी में क्या होता है, ये होता है एक्सीलेटर एंड क्लच होता है, ये ब्रेक होता है, क्लच नहीं होता। अच्छा, ये मैं बाद में दिखा दूँगा, अभी रनिंग गाड़ी है
वो दिखा नहीं सकता, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप देख लीजिए गाड़ी भी चल रहा है। तो अच्छा, अभी बात यह है कि रास्ते में आप गाड़ी चलाते चलाते ये ख्याल रखने का कि रोड में आप गाड़ी का नंबर लिखा होता है, किसी का कौन सा है, किसी एरिया में 60 है इधर का, तो कभी 100 तक होता है, 120 तक होता है, किसी में 60 होता है, किसी 80 होता है। तो जो गाड़ी का गाड़ी रोड में जो नंबर लिखा हो वो हिसाब से आपको गाड़ी चलाना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 किलोमीटर इधर मस्कट के हिसाब से, मस्कट का रूल्स रेगुलेशन है, आप 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 15 तक ज़्यादा चला सकते हैं। समझो 80 का रोड है तो आप 80 90 95 तक चला सकते हैं, 100 जाएगा तो फिर बीच में रेडर बडर रहेगा, तो आप रास्ते में भी देख सकते हो रेडर बडर रहेगा, तो रेडर से आप ये हो सकते कैच हो सकते हो, कैच होगा तो फाइन देना पड़ेगा, पैसा भरना पड़ेगा, इधर बहुत पैसा होता है। ये रेडर में कैच आएगा तो 10 रियल, कम से कम इंडिया का 2000 1900 तक है। अच्छा, बाद में आपको गाड़ी चलाते चलाते ये भी आएगा कि सिग्नल देना चाहिए। हर रोड का जो ट्रैक होता है, एक किसी किसी में सिंगल ट्रैक होता है, बाद में देखा जाए मेन रोड पे आएगा तो इधर 3 ट्रैक रहता है, एक ट्रैक फास्ट गाड़ी चलाने का, एक बीच में मीडियम, यानी फास्ट ट्रैक आपको 120 के ऊपर गाड़ी चलाना पड़ेगा, 120 ही लास्ट है, 120 में ही ऐसे ही रखना पड़ेगा, 110 120 ऐसा रखना पड़ेगा, 130 तक रखना पड़ेगा। अच्छा, सेकेंड ट्रैक में आपको क्या 100 तक, लास्ट थर्ड ट्रैक में 80 तक रखना पड़ेगा, ये 80 एकदम नुन्नो लास्ट तक 80 में ही रखना पड़ेगा, 80 के नीचे आप मेन रोड पे गाड़ी चला नहीं सकते, तो क्या होता है प्रॉब्लम होता है, दूसरा गाड़ी को प्रॉब्लम हो जाता है। और फास्ट ट्रैक में आपको 120 में जाना चाहिए, नहीं तो दूसरे लोगों को दूसरा गाड़ी पीछे से आके कोई लाइट मरेगा, हॉर्न कम इधर मारता है लाइट मरेगा, तो ऐसा ऐसा करके प्रॉब्लम होता है। तो आपको दिखाऊंगा सबसे बड़ी बात है इधर का सिग्नल, इधर का सिग्नल इतना डेंजर है, आप अगर रेड क्रॉस कर लिया तो आपका जेल तय है, जो इंडिया में ऐसा कुछ होता नहीं, जेल वेल का चक्कर नहीं, शायद कोई पुलिस देखेगा फाइन होगा। अभी जैसा मैं एक सिग्नल में आ रहा हूँ, देखो सिग्नल का लिखा है रेड लग गया, मैं गाड़ी को स्टॉप कर रहा हूँ, आगे मैं जाऊँगा तो स्टॉप करने, अभी सिग्नल खड़ा है। तो अच्छा, इधर का रूल्स है कि आप वीडियो का ये नहीं कर सकते, गाड़ी चलाते चलाते आपने ये फ़ोन कान में डाल के बात नहीं कर सकते या मैसेज नहीं कर सकते, चलाते चलाते तो पुलिस देखेगा तो मुश्किल होगा। अच्छा, तो ये जो सिग्नल है, सिग्नल का क्या, एक बात बताओ, आप नया कोई ड्राइवर हो तो जैसा सिग्नल रेड आ गया या बाद में येलो आता है, बाद में ग्रीन आता है, तो येलो होगा तो आप समझ लो अभी आपको रेडी होने का, कि शायद आपको रेड आएगा तो रेड के लिए रेडी रहो, नहीं ब्रेक कर लो करने के लिए रेडी हो जाओ। अभी बाद में ग्रीन, शायद आपको अभी ग्रीन आएगा तो आप येलो में रेडी हो जाओ कि अभी आपको गाड़ी स्टार्ट करना है, तो गाड़ी आप परफेक्ट स्टार्ट कर लेंगे, गाड़ी स्टार्ट कर लिया, गाड़ी मूव करने के लिए आपको रेडी होना है, फिर आप ये कर सकते हो, मतलब ग्रीन आ जाएगा तो आप निकल जाओगे, तो आपको गाड़ी लेट नहीं होगा। सिग्नल में बहुत गाड़ी होता है, आप अगर लेट करोगे तो पीछे का गाड़ी लोग हॉर्न मारेगा तो आपको डिस्टर्ब होगा, तो ये ख्याल रखना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, अभी गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चल गया, सिग्नल पार हो गया, सिग्नल इधर जैसा रोड का स्पीड है वही हिसाब से आपको सिग्नल भी क्रॉस करना पड़ेगा। कभी ऐसा होता है कि रोड क्लियर है, सिग्नल ओपन है, हम 80 का सिग्नल, 80 का रोड है, मैं 100 में 120 में चल रहा हूँ, क्या होगा, उधर कैमरा लगा हुआ रहता है, कैमरा में रेडर रहता है, वो आपको सीधा ये मारेगा, लाइट मारेगा, आपको समझ लो फाइन पक्का, फाइन देना पड़ेगा। अच्छा, ये मस्कट का रोड है, ये मेन रोड नहीं है, ये साइड का है, होता ना साइड का रोड, तो ये रोड आप देख सकते हो, देखो कितना क्लीन रहता है रोड, इधर का रोड ऐसा क्लीन है कि जैसा रेस्टोरेंट में टेबल में आप खाना खा रहे हो, ऐसा क्लीन मेरे को, मुझे लगता है ऐसा क्लीन रहता है, आप बैठ के साइड में खाना खा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, ना कोई स्मेल है, ना कोई पत्ता है, ना कोई कागज़ है, कोई टिशू, कोई मैल, कोई चीज़ नहीं होता, इधर बहुत क्लीन रहता है। तो मैंने सुना लोग बोलते हैं मस्कट अभी गल्फ में नंबर 1 है क्लीन में, गल्फ का जो 6 देश है, तो ये बात है। अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ जाऊँगा, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि रोड भी कैसा है, गाड़ी चलाते चलाते मैं वीडियोग्राफी भी कर लूँगा, आप लोग भी देख सकते हो इधर, तो ऐसा बात है।
और बाकी तो ठीक है। तो मैं अभी घर जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने छोटा सा गलती किया, मुझे जाना था ये रोड पे, जो मेन रोड है वो रोड पे, लेकिन मैं गलती से हाई एक्सप्रेस रोड में आ गया। तो मैं क्योंकि मेन रोड में वीडियो का भी करेगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसा ज़्यादा जैम होता है ना, तो आपको जाम या गैदरिंग होता है तो आपको उसके लिए आपको अच्छा लगेगा। तो ये इसके वजह से मैं अभी फिर गाड़ी को घुमा लिया, घुमा के मैं अभी मेन रोड पे वीडियो करना चाहता हूँ। ये बात, मैं दोबारा गाड़ी को घुमा लिया। तो मेरा इरादा है कि अभी सीधा रोड पे मैं गाड़ी चलाऊँगा, ये करो वीडियोग्राफी करूँगा। अच्छा, मैं गाड़ी और एक बार टर्न ले लिया। इधर का रास्ता ऐसा है, खुला और जैसा बड़ा रास्ता। एक बार एक मिस्टेक करोगे तो आपको कम से कम आधा माइल एक माइल घूम के आपको जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ा बड़ा शहर में ऐसा छोटे छोटे प्रॉब्लम होते रहते हैं, तो हम भी इसको लिए तैयार हैं। अरे, मैं पूरा एक चक्कर लगा के मैं अपना जो रोड है वो मैं पकड़ लिया और मैं जा रहा हूँ। ये जगह का नाम है बोसा। मैं सुबह सुबह स्कूल में बच्चे लोगों को छोड़ने आता हूँ, तो चलो आज वीडियोग्राफी कर लेता हूँ। घर से थोड़ा सा फ़ोन आया था, बाद में करते हैं, अभी मेरा मूड है कुछ वीडियो करने का, तो चलो मूड जब है कर लो। तो मैं कर लिया, पूरा घुमा लिया। अच्छा, आप देखो एक मस्कट मॉल ऑफ ओमान एक मॉल आ रहा है, आ गया। एक बहुत बड़ा मॉल है, इसके साथ बहुत शॉपिंग सेंटर जुड़ा हुआ है। तो मैं कभी आया नहीं, मैं सोच रहा हूँ एक दिन आएगा, वीडियो कभी भी करेगा अंदर क्या क्या होता है। देखो, मैं ट्रैक चेंज किया, सिग्नल दे दिया, आपका सिग्नल का आवाज़ आ रहा है, मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं अकेला गाड़ी चला रहा हूँ ना। तभी भी ट्रैक चेंज करोगे तो आपको मस्ट सिग्नल देना चाहिए, इससे क्या पीछे के लोगों को पता लग जाएगा कि आपने गाड़ी चेंज कर रहे ट्रैक। अच्छा, अभी मैं गाड़ी को, मैं देखो लेफ्ट साइड में गाड़ी ले लिया, ठीक है, लेफ्ट साइड में मुझे जाना है, गाड़ी को भी मैं लेफ्ट साइड में एकदम रख दिया। लेफ्ट साइड में जाना है तो लेफ्ट साइड में गाड़ी रखना चाहिए, राइट साइड में जाना तो राइट साइड में गाड़ी रखना चाहिए, जो ट्रैक है। अभी देखो सिग्नल चालू हो गया, जा रहा है, तो ऐसा है। अच्छा, दूसरी बात है, गाड़ी चलाते चलाते आपको गाड़ी का डिस्टेंस ज़्यादा रखना चाहिए, जितना हो सके। समझो गाड़ी स्पीड जा रहा है तो डिस्टेंस भी रखने जाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, कभी भी सामने वाला कभी भी कोई प्रॉब्लम हुआ, ब्रेक किया, तो आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो आपको गाड़ी सीधा ठोक देंगे। सीधा ठोक देंगे तो बस समझो लफाते, जिसको बोलते हैं हम लोग बंगाली में ऐसा बोलते हैं, मतलब कि एक्सीडेंट हो गया, लपड़ा, पुलिस आएगा, लपड़ा होगा, उसका पेपर बनेगा, इंश्योरेंस में जाना है, झंझट ही झंझट, ठीक है। मुझे किस जब मैं सीखा था, मेरा एक दोस्त था पाकिस्तानी दोस्त, इधर तो पाकिस्तानी बंगाली इंडियन सब एक साथ मिलकर काम करता, तो उसने मुझे आज गाड़ी जो मैं चला रहा हूँ तो उसका ये आइडिया था, तू गाड़ी चला, तू गाड़ी चलाना सीख तो तेरा ज़िंदगी सुधर जाएगा। मैं पहले लेबर का काम करता था, तो मस्कट म्यूनसिपालिटी में, फिर मैं गाड़ी चलाना सीखा, सही बात है। वो मेरे को बोला, तू थोड़ा पढ़ा लिखा है, अच्छा तू नॉलेज है, इंटेलिजेंट थोड़ा बहुत है, तो तू गाड़ी चलाना सीखा, क्यों ये लेबर का ज़िंदगी तेरा ख़त्म हो जाएगा, बाद में तू गाड़ी चलाएगा, इससे ज़्यादा अच्छा काम करेगा, लेकिन तुझे लेबर का ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं सारे लोगों को मैं एक ही सलाह देता हूँ, जो लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उन नॉलेज नहीं है, गाड़ी चलाना सीख जाओ, या कोई मेंटेन माने टेक्निकली काम सीखो जिससे आगे आप चल सकते हो, क्योंकि टेक्निकल काम एक ऐसा काम है कि आप कभी भी ख़त्म नहीं होगा, जब तक ज़िंदगी रहेगा चलते रहेगा, अब गाड़ी चलते रहेगा, मेंटेनेंस मैकेनिकल काम चलते रहेगा, ऐसा बात है, तो आप कर लो। तो ये सबसे बड़ी एक बात है कि आप गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी डिस्टेंस में रखो, ठीक है, तो फिर गाड़ी एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाएगा। अच्छा, पहले ही आपको बताया सिग्नल का। अच्छा, रोड में देखो ऐसा ऐसा लाइन रहता है, आप देखो ऐसा छोड़ छोड़ के बीच में लाइन जा रही है, लाइन जब आएगा तो आप गाड़ी का क्या है ना, साइड क्रॉस कर सकते हो, इधर उधर क्रॉस कर सकते हो, ओवरटेक कर सकते हो। जब कोई ऐसा लाइन नहीं आएगा, प्लेन लाइन आएगा,
तो आप क्या करोगे, आप कभी भी आप उसको क्रॉस करने का, आप बहुत लोगों को मालूम नहीं ऐसा लाइन क्यों रहता है। इंडिया में भी देखो ऐसा लाइन रहता है छोड़ छोड़ के, कभी भी सीधा होता है, तो बहुत लोगों को मालूम नहीं नया नया जो है, तो इसका मतलब वो सीधा स्ट्रेट लाइन रहेगा तो आप क्रॉस नहीं करने का खतरा है। अच्छा, बीच बीच में ऐसा छोटे छोटे जैसा अभी देखा हो इसमें आप क्रॉस करने का है तो आप क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। जब मैं मेन रोड पर जाऊँगा, कहीं कहीं मेरा जगह ऐसा है कि आप साइड रोड में या मेन रोड में कहीं क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा, ये बात है। अब इसलिए मैं ये रोड पे लेके आया कि आपको ज़रा व्यू दिखा सकूँ कि इधर घर है, दुकान है, ये है, इसलिए मैं मेन रोड, इस रोड जो जिस रोड पे जा रहा हूँ, ये किसका नाम सुल्तान काबूज रोड है, ये यहाँ का जो राजा था पहले उसका नाम से ये रोड का नाम है। तो मैं वो रोड दिखाने के लिए मैं इधर आया, थोड़ा जैम भी होगा, आपको थोड़ा समझा सकूँ, तो ये बात है। तो अभी मैं वो रोड पर जा रहा हूँ, अभी एक सिग्नल आ गया, तो ये सिग्नल को मैं देखो, ये रोड गाड़ी को मैं क्रॉस करके आगे आगे मैं लेफ्ट जाऊंगा। लेफ्ट में जो गैप है ये है लेफ्ट का लास्ट, तो मैं इसमें घुस रहा हूँ, ठीक है। आराम से आप आराम से गाड़ी को, ज़्यादा स्पीड नहीं, आराम आराम से गाड़ी चला दे रहा हूँ। गाड़ी का जो स्पीड है वो, जो रोड में जो स्पीड है वो फॉलो करो बस, बाकी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। देखो सामने सब गाड़ी हो गया कितना, अभी सिग्नल चालू हो गए, तो मैं अभी जा रहा हूँ। फिर इधर का सब इम्पोर्टेड कार है, इधर टोयोटा है, निसान है, माजदा, मर्सिडीज, वैरायटी ऑफ कार है। इंडिया का बहुत कम कार है, इंडिया का कार मैं देख पिकअप देखा था उसमें, इंडिया का कार देखा मैं, टाटा का कार अशोक, टाटा का ज़्यादा आता है, इधर का पिकअप अभी थोड़ा कम ही देखता हूँ। अब बड़ा गाड़ी में है अशोक लेलैंड है इंडिया का, हाँ महिंद्रा का है, तो बस यही बात है। अभी मैं ये जो सामने सिग्नल दिखता है आपको, इसका लेफ्ट में जाऊंगा, ये है मेन रोड, है मेन रोड या सुल्तान काबूज का रोड है नाम पे, जो आपको मैं थोड़ा सा पहले बताया। ये जो जगह है ये आजेबा बोलता है, ये आजेबा सिग्नल है नाम इधर का, ये जो लोग मस्कट में है उसको मालूम है। और ये सिग्नल मैं गाड़ी ये कर दिया, देखो सेम सिस्टम बस इधर उल्टा है। इंडिया में है आपको लेफ्ट राइट में, हम इधर लेफ्ट में, और को सेम सिस्टम। देखो आपको कैसा गाड़ी वाड़ी दिखता है, घर दिखता है, ये व्यू थोड़ा अच्छा लगता है। मैं जब छुट्टी से मस्कट में आया था, तो मैं मस्कट में आके मेरे को कितना दून में सुकून लग गया था। छुट्टी में इंडिया में छुट्टी 5 मंथ था, ये था कोविड का प्रॉब्लम था, इसलिए समझो लॉकडाउन के बारे में मैं आ नहीं पा रहा था, बंद था फ्लाइट। तो फिर मैं जब आया एयरपोर्ट से उतरा, उतर के जब टैक्सी में मैं जा रहा हूँ, लोग दिल में कितना, जैसा इंडिया में कितना गैदरिंग होता है, ज़्यादा भीड़ भट्टा, इधर साउंड, उधर ये, इधर महिला, बोलना बदनाम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा ये है, मैं इंडियन हूँ, तो मेरा मैं आखिर उधर ही रहूँगा, इधर नौकरी छोड़ के उधर ही रहूँगा, तो बदनाम करना मेरा अच्छा बात नहीं। लेकिन हकीकत जो बात है, जब इधर से आया तो मेरे को इधर कितना खुलापन लगा, मेरे को दिल में एक सुकून हो जाता है। जिस आदमी को लगता है ना कि समुंदर किनारे खड़ा हो गया है तो एक सुकून लगता है, वैसे ही मुझे भी ऐसे लग गया था। फिर उल्टा होता है, जब मैं इधर से छुट्टी जाता हूँ, एयरपोर्ट उतार के मैं रास्ते में जाता हूँ, भीड़, इधर से हॉर्न आता है, इधर से लोग जाता है, मुझे कैसा लगता है थोड़ा बहुत, कुछ दिन के बाद एडजस्ट हो जाता है। तो ऐसा सबको होता रहेगा, आप किसी बाहर कंट्री में जाओगे तो ऐसा होता रहेगा। अब क्योंकि अपना देश में सबसे बड़ी बात है कि कोई साफ सफाई क्लीन का फॉलो नहीं रखता, फॉलो नहीं करता, ना घर में घर का करता है, ना गवर्नमेंट करता है, तो मन में या कोई भी क्लीन के बारे में आपका ये नहीं है। ये स्वास्थ्य जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, अपना घर में भी खुद को करना चाहिए। पहले खुद सफाई रखोगे घर, तो हर घर सब सफाई रखेगा तो बाकी दुनिया देश भी सफाई हो रहेगा ना। तो ऐसा बात है, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बंगाली हूँ, तो बंगला में मैं बात ज़्यादा अच्छा करता हूँ, इंडिया में सभी जान पाए, इस वजह से मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया मैं सुल्तान काबूज रोड पे, इधर आसपास में बड़ा बड़ा दुकान मार्केट है, तो ये मार्केट नाम तो कितना बताऊँ, लेकिन आप इंडिया का लोगों को उतना मालूम नहीं पड़ेगा। देखो आपको कितना ट्रैक है, 1 2 3 4 ट्रैक है, ठीक है। तो इसी ट्रैक में गाड़ी चलाता है, मेरे से बहुत गाड़ी स्पीड में चलता है, स्लो भी चलता है, तो मैं जो लास्ट लाइन है मैं पकड़ा, ये स्लो है, मैं अभी बीच का लाइन में जाऊंगा, तो ऐसे सिग्नल दे दिया,
ताकि पीछे का गाड़ी को मालूम हो जाए, ऐसे ही मैं चल दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा आप गाड़ी चलाते रहो, सेफ रहो। और मैं वीडियो अभी बंद करेगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है अभी। तो ऐसे ही सिस्टम है, आपको ऐसे जाना है, सिग्नल देके कभी भी जाना है, गाड़ी को डिस्टेंस फॉलो करो करके। देखो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सब डिस्टेंस रहे, मेरे सामने जितना भी नज़दीक हो जाता है मैं थोड़ा ब्रेक कर लेता हूँ, मैं डिस्टेंस रखता हूँ, तो आपको एक्सीडेंट होने का खतरा बिल्कुल मतलब कम रहेगा। कोई पीछे से आके गाड़ी मार दिया तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, और बाकी आप करो। ठीक है, फिर मैं रखता हूँ, और कभी फिर दूसरा वीडियो में आपसे बात करूँगा। मस्कट का लाइफ का मतलब क्या, मस्कट में हम लोग कैसा लाइफ जीते हैं, आसपास में क्या है, इसके बारे में आपसे बात करने का। तो ये गाड़ी भी एक गाड़ी चला रहा हूँ मैं ड्राइवर हूँ, मेरा ड्यूटी गाड़ी चलाना है, तो इसमें मैं आपको चलो शेयर करता हूँ, मेरा बात दिल का बात शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और भी कोई क्या आप जानना चाहते हो मस्कट के बारे में मुझे कमेंट करके लिख सकते हो, और मैं आपको कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो करने का। और आपको मेरा इसमें लाइक कर दो, शेयर कर दो, लाइक में आपको सब्सक्राइब कर दो। फिर मैं जो वीडियो भेजूँगा, देखो कितना ट्रैफिक सामने हो गया है, राइट में देखो लेफ्ट साइड में कितना गाड़ी का ट्रैफिक चालू हो गया है, तो आपको एक दिन ट्रैफिक में मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर मैं रखता हूँ, आप मुझे, आप सब अच्छा रहे, गॉड ब्लेस यू, और सबको मेरा ये दे दो, नमस्ते सलाम दे दो आपका, और शेयर कर दो, आपको दोस्त लोगों को बोल दो मेरा ये सब्सक्राइब करें कि ये वीडियो आपको भी मालूम पड़े। ठीक है, मैं रखता हूँ, ओके, थैंक यू वेरी मच।